आज का हमारा स्ट्रक्चर है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, जिसका मतलब होता है आज के बाद से। इसके लिए हम सबसे पहले फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। सेंटेंस बनाने के सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल विल लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल नॉट, विल नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस प्रकार के वाक्यों में डिटर्मिनेशन और प्रोमिस किया जाता है। सेंटेंस देखो, आज के बाद से मैं इंग्लिश बोलूँगा। फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स आई विल स्पीक इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में आपका सब्जेक्ट कैसा भी हो, हमेशा विल का प्रयोग किया जाता है। अगर आप टेंस पढ़ते हो तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। सेकंड देखो, आज के बाद से हम एक दूसरे से बात करेंगे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल टॉक टू ईच अदर। आज के बाद से प्रिया टीवी नहीं देखेगी। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स प्रिया विल नॉट वॉच टीवी। आज के बाद से मैं सुबह जल्दी उठूंगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगला देखो, आज के बाद से हम अपने बड़ों का आदर करेंगे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। आज के बाद से मैं छात्रों को नहीं डांटूंगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट स्कोल्ड द स्टूडेंट्स। आज के बाद से तुम झूठ नहीं बोलोगे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल नॉट टेल ए लाई। आज के बाद से रेनू संगीत सुनेगी। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स रेनू विल लिसन टू म्यूजिक। आज के बाद से वह तेज दौड़ेगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ही विल रन फास्ट। लास्ट देखो, आज के बाद से हम चाय नहीं पियेंगे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल नॉट टेक टी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।